So when I did girlfriend, तो मेरे को ये point नहीं था कि I wanna be a rapper, I wanna go out stage, I'm gonna perform. That was my state of mind that I was in. मुझे लगा मुझे बस अपनी पूरी जो emotional एक सागर चल रहा है अंदर, उसको मुझे puke करना है, उसको मुझे बाहर निकालना है. लेकिन I just wanted to, you know, when you go out there with reality, कि यार मुझे ये करना है, उसमें कोई fake नहीं है, तो लोगों तक बात पहुंच जाती है यार. Question is pretty simple. We also write happy rap. No, there are a lot of happy raps also. Happy rap तो चल रहा है यार. जितना rapping so-called जो industry में है फिलहाल, everything is so happy. सब कुछ good है, रोड़े अच्छी है, Mumbai best है, ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारी population है. This is what everybody is saying. True. So basically what happens is जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है, मुझे लगता है कि मेरी normal life नहीं है. मुझे लगता है कि जो मैंने जो industry में खुजाया है, वो दुनिया का सबसे toughest industry है. I mean you can't crack that industry, right? This is not easy. Not easy, man. This is not easy at all. I mean, dikhne bahut acha lagta hai that you are swag, you are rapping, yo bro, everything is cool, but it's not cool at all. It's not cool when you're living it. So when you're living it, when you are a below average looking guy, when you have a when you are in this industry where you don't know where you're from, where you are in this industry jahan par aapko kuch bhi nahi pata hai ki aapko karna kya hai, aap absolutely zero mein ho, to aapke safar mein bahut sare chapters waise hi add hone lagte hain. Aur fir main logo se I don't envy people who live a very smooth life. I don't have any problem with people कि इनकी life बहुत comfortable हुई है. It's just that I don't connect. तो मुझे लगता है कि इतनी सारी stories है तो मैं क्यों लिखूँ. But I'll give you a synopsis. What happened was, so actually मैं 2003 या 2002 में मुंबई में आया था. And I had absolutely no clue. मैं वहाँ से घोड़ा डोंगरी सारनी एक गाँव जिसको प्रोनाउंस करना भी 90% लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, वहाँ से निकल कर मुँह खोल कर हम लोग आ गए बॉम्बे. तो एक दो साल तो बॉम्बे की बिल्डिंग से सब कुछ देखने में निकल गया कि हाउ इज गोइंग टू बी, व्हाट आई एम गोना डू. उसके बाद रियलिटी आना शुरू हो. And I joined an acting class. I did a lot of, you know, hard work to get into this industry as an actor. तो problem क्या होती है कि ये सब सफर में time जाता गया और मुझे पता लगा कि यार I am reaching nowhere. तो घर में झूठ बोलने का और हर जगह झूठ बोलने का एक टाइम होता है और लोगों को पता लग जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो, स्पेशली योर पेरेंट्स. यू सी इन ऑल माई सॉन्ग्स यू आर लाइंग टू योर मॉम कि एवरीथिंग इज ओके, यू आर सेइंग एवरीथिंग इज कूल. उसका सैचुरेशन आ जाता है. उसके बाद आई वॉज होम एंड एक बहुत गंदा टाइम मेरा घर पे था जहाँ पर मैं घर पे था. एंड आई हैड अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस क्योंकि वहाँ से निकल के आई स्टार्टेड फाइटिंग विद माई डैड आफ्टर कमिंग टू बॉम्बे. मैं जब वापस गया घर, लेकिन एक आई डोंट नो हाउ टू से इट, एक कॉलिंग होती है विच विल जस्ट कॉल यू. कोई भी एक पवित्र जगह की कॉलिंग होती है, आपको लगता है कि नहीं यार कोई चीज़ आपको खींच रही है. एंड मेरे डैड ने वहाँ पर मेरे लिए घर बनाई, चीज़ें बनाया कि यार ये लड़का वापस आ गया, 8-10 साल बाद सेटल हो गया यहाँ पर. और म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं. तो वहाँ पर आई अकॉर्डिंग टू मेजर डिप्रेशन, सीवियर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें वहाँ पर होने लगी. एंड आई इवेंचुअली टोल्ड माई डैड कि डैड आई हैव टू गो बैक टू बॉम्बे. अब मैं भोपाल में हूँ, वहाँ से बॉम्बे आ रहा हूँ, कोई खबर नहीं है करना क्या है. एंड आई लव माई पेरेंट्स और वहाँ पर उन लोगों ने सब कुछ मेरे लिए सेट किया है. मैं आपको बस, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कट डाउन एवरीथिंग. जब वापस बॉम्बे आया तो मैं एक्टिंग छोड़कर मुझे कुछ क्लू नहीं था. सो दिस इज माय सेकंड इनिंग्स इन बॉम्बे. दिस आई एम टॉकिंग 2012-2013 और मैं जीरो एग्जैजरेशन के साथ मैं आपको बात बताऊँ, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड. नो क्लू व्हाट आई एम गोना डू. मैं मुझे जब ट्रेन जाती है तो वहाँ से मेरे घर का घर दिखता है. जब मैं भोपाल से वापस जब वापस आ रहा था तो मुझे मेरा घर दिखता है छोटा सा. तो मैंने डैड को जैसे बोला यार डैड मुझे वापस जाना है, और डैड वॉज वेरी रिजिड, हमारा एक छोटा सा धंधा है इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर माई डैड इज, सो यू सो वॉन्टेड मी टू एक्चुअली जॉइन दिस बिजनेस. और हेलमेट पहन के मैं गुटके उठ के खाकर वहाँ भी जा रहा हूँ, साइट में भी जा रहा हूँ, वहाँ पर पड़ा हुआ हूँ. इट्स एग्जैक्टली हैपेंड. और पूरे टाइम लोगों को लगता था मैं बहुत एरोगेंट हूँ, लेकिन मैं एरोगेंट नहीं था. मुझे मालूम था कि ये मेरा सफर नहीं है. आई सो न्यू इट, सो आई नेवर कुडंट कनेक्ट टू माई डैड. कोई गलत नहीं है इसमें, मेरे को मालूम था ये मेरी जर्नी नहीं है. तो आई रिमेंबर दैट वेरी फिल्मी मोमेंट व्हेन यू नो मम्मी ने कुछ अचार बचार स्नैक्स सब कुछ दे दिया, एड माई गिटार, आई टू प्ले गिटार. तो आई वॉज गोइंग पैन, आई वॉज क्राइंग. हाथ में इतना लगेज था मेरे जब मैं चल रहा था, इतना सामान था, एंड आई कुडंट एबल टू यू नो टू वीप माई टीयर्स. तो पूरे ट्रेन के लोग बोल रहे थे कि अरे बेचारा बहुत रो रहा है. सो इट वॉज सो डिफिकल्ट टू कम बैक बिकॉज आई डोंट नो वॉट टू डू. मैं आ तो रहा हूँ यार इतनी बड़ी बड़ी बातें करके वापस बॉम्बे, लेकिन करूँ क्या. आई वॉज डूइंग गुड, आई वॉज मीटिंग गुड पीपल, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अंदर से लग रहा था कि यार ये सब काम मेरे लिए नहीं है. मतलब आई कैन नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट. मैं कर रहा हूँ वहाँ पर एड पे जा रहा हूँ, दादों का असिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सब मेरा काम नहीं था. इट टुक मी ऑलमोस्ट 15 डेज टू राइट, देखो बेसिकली ये आजकल की गर्लफ्रेंड नामक तबाही की कहानी है. इट टुक मी 15 डेज टू राइट क्योंकि मैं कैसे अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आई कैन राइट. लाइक जो बाकी पुराने लोग सब बोलते हैं कि यू गेट व्हाट यू वॉन्ट.
I'm not, my songs haven't actually crossed 50 million or 60 million. Lekin, this is exactly what I wanted to be. This is exactly how I wanted to place myself. किसी ने कहीं कहीं बैठकर अमेरिका में कोई बात बोल दी यार, तो मुझे यार लग गई और मैं उससे मोटिवेट हो गया, तो उससे अच्छी फीलिंग कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। तो किसी की स्टोरी छोटा सा भी अगर आपको हेल्प हुआ है, कुछ तो हुआ है, तो मुझे लगता है दैट इज़ द अल्टीमेट फीलिंग। आई मीन माई ट्रिप, और वो तो सबके साथ ही होता है ना, एवरीबडी मिस देयर पास्ट, एवरीबडी वॉन्ट टू, नहीं यार ऐसा नहीं किया होता, वो नहीं किया होता, काश मैंने वैसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, काश ये नहीं होता तो वो नहीं होता। अजय सर कि यार मैं भी हूँ, ऐसे ही होता मेरे साथ। आई डोंट लिव इन अ विला, बड़ा विला जहाँ पर ये सब बेसिक चीज़ों से मैं दूर हूँ, ऐसा नहीं है।